गाइज हाउ आर यू ऑल, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी मेरा एक्सपीरियंस इस फाउंडेशन के बारे में। ये है कलर बॉक्स का फाउंडेशन, ओरिफ्लेम कलर बॉक्स फाउंडेशन, एंड ये मैंने अभी लगाया हुआ है। इसके बारे में आज हम बात करते हैं, चलिए। करते हैं पैकेजिंग एंड प्राइस के साथ। तो पैकेजिंग बहुत ही क्यूट है, सुपर क्यूट, छोटी सी ट्यूब है, आपको मिल जाती है और ये आपको 450 MRP के साथ मिलेगी। अगर आप ऑफ़र में लेते हो तो आपको 50 to 100 रुपीज़ ऑफ मिलता है हमेशा, और 3 साल की शेल्फ लाइफ है एंड इट इज़ 30 ml प्रोडक्ट। तो ये इसी तरह से आता है, कोई बॉक्स नहीं है, सो यू गेट लाइक दिस ओनली। तो इस ट्यूब पे सारी इन्फॉर्मेशन है, इंग्रेडिएंट्स में यस पैबन है। तो ये इसका टेक्सचर एंड फॉर्मूला मैं आपको दिखा देती हूँ। तो ये आप देख सकते हो काफ़ी लिक्विडी सा है एंड इस तरह से आ जाता है। लेट्स जस्ट जूम इट, या तो ये अगर आप देखो तो इट्स वेरी स्मूथ, बहुत ही स्मूथ फॉर्मूला है, बहुत ही हाइड्रेटिंग सा है। सो ये ड्राई स्किन के लिए तो बहुत सुपर्ब होने वाला है। ये ग्रीसी नहीं है, बहुत अच्छा फिनिश दे देता है। ऑफ कोर्स यू नीड टू सेट इट विद पाउडर टू गिव इट अ मैट इफेक्ट, बिकॉज थोड़ा सा डीवी और ग्लॉसी फिनिश आ जाता है। सो बहुत ऑयली स्किन है तो वो उनको अजीब सा लगेगा। ओवरऑल सारे स्किन टाइप्स के लिए चल जाएगा, बट बेस्ट रहेगा आई थिंक फॉर ड्राई स्किन, बिकॉज बहुत अच्छा लगता है ये मुझे। इट हैज़ वेरी माइल्ड फ्रेग्रेंस, बहुत माइल्ड है, बिल्कुल फाउंडेशन टाइप का नहीं लगता है मुझे, बट हाँ किसी क्रीम टाइप में लगता है। सो वेरी नाइस सूदिंग फ्रेग्रेंस। कवरेज की बात करेंगे तो लाइट टू मीडियम कवरेज आ जाता है। जिनको बहुत एक्ने स्कार्स है, थोड़ा सा कंसीलर यूज़ कर लो। मेरे जो दाग है वो दिख रहे हैं, बट स्टिल इट्स नॉट पॉपिंग आउट दैट मच, बिकॉज शेड अच्छे से फिट हो गया है। इवन दो ये शेड दिखने में थोड़ा डार्क लगा, पहले लगा कि शेड बिल्कुल मैच नहीं करेगा। वैसे इसमें 3 शेड्स अवेलेबल है, मुझे ये ज़्यादा ठीक लगा, नेचुरल बेज, एंड बाकी जो 2 शेड्स हैं वो थोड़े लाइट लगे, तो हो सकता है कि वो वाइटिश दिखे, इसलिए मैंने नहीं लिए थे, एंड थैंक गॉड आई हैव नॉट टेकन दैट। अगर आप लाइटर शेड लेते हो, अगर मैं इसमें से लाइटर शेड लेती तो हो सकता था मेरे एक्ने स्कार्स ग्रे दिखे। सो इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट कवरेज वाइज कि आप कौन सा शेड लेते हो। अब इस कौन सी स्किन टाइप में यूज़ करना चाहिए, इट इज़ सूटेबल फॉर ऑल स्किन टाइप्स एंड एज वाइज 20+ हो तो आप यूज़ कर सकते हो। इट्स मोर बेसिकली लाइक अ BBN सीसी क्रीम बट विथ मोर मॉइस्चराइजेशन फार्मूला, सो इट्स वेरी नाइस। इसका स्टेइंग पावर 3 से 4 घंटे तक है, तो इट डजेंट लाइक लास्ट फॉर लॉन्ग दैट मच, बिकॉज बहुत लाइट सा कवरेज मिल जाता है, बट स्टिल गुड लाइक फॉर 3 to 4 hours। एंड आप डेली वेयर में ये पक्के से यूज़ कर सकते हो, और इसको मैंने ब्रश से लगाया था, लेकिन आप इसको हाथ से भी लगा सकते हो, क्योंकि इसका फार्मूला जब मैंने देखा तो मैंने पहले 2 बार तो हाथ से ही ब्लेंड किया, बिकॉज यू डोंट फील लाइक यूजिंग अ ब्यूटी ब्लेंडर और ब्रश। ब्रश अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में ये प्रोडक्ट लोगे और ब्रश यूज़ करोगे तो आपके ब्रश स्ट्रोक्स दिख सकते हैं, सो वहाँ पे ध्यान रखिए। सो टेक लिटिल क्वांटिटी एंड यूज़ ब्रश ऑल। आई थिंक अगर मैंने कुछ भी मिस किया है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लो। आई विल लाइक आई एम यूजिंग दिस, सो आई कैन यू नो रिप्लाई यू देयर अकॉर्डिंग टू माई एक्सपीरियंस। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप आपका ख्याल रखिए, बाय बाय, ठीक है।